हेलो गाइस, आज एक और नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। इस वीडियो में आप लोगों को कुछ इस टाइप का होली का स्पेशल फोटो आप लोगों को बताएंगे मैंने कैसे एडिट किया है। एकदम देख सकते हैं कितना हार्ड एकदम स्मूथ किया है, देख ही सकते हैं आप लोग, और एकदम कितना एकदम ऑसम लग रहा है हमारा फोटो। तो आप लोगों को भी बताएँ कैसे बनाया है, और आप लोग भी एकदम आसानी से बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं कितना एकदम बढ़िया फोटो लग रहा है होली का, तो आप लोग भी बना सकते हैं एकदम। तो देख सकते हैं ये हमारा रियल पे गया सबसे पहले, और ये देख सकते हैं ये PNG आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, एकदम आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। और देख सकते हैं रियल पिक को ले लेना सबसे पहले, तो यहाँ से शेयर कर लेना सबसे पहले स्नैपचैट के अंदर। तो कुछ इस टाइप से देख सकते हैं जो भी शेड वेडो है उसको सबसे पहले थोड़ा डिक्रीज और एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। यहाँ से हाईलाइट को पूरा माइनस, और शेडो को भी कुछ इस टाइप से कर लेना है, कंट्रास्ट को इतना, एम्बिएंस को कुछ इस टाइप से रख देना है, देख सकते हैं इतना। तो इतना रखने के बाद यहाँ से देख सकते हैं डन कर देना। डन करने के बाद टूल्स पर डिटेल्स क्लिक करके शार्पनर को देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस टाइप से इतना रख लीजिएगा, देख सकते हैं। तो देख सकते हैं इससे क्वालिटी एकदम हाई हो जाता है, आप लोग दिख रही होगी, कुछ इस टाइप से हो जाएगा। और इतना करने के बाद सबसे पहले शेयर पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से शेयर कर लेना है लाइट रूम के अंदर। और एक प्रीसेट दूंगा, वो भी आप लोगों को यूज़ करना है फोटो में, तो सबसे पहले बता दूंगा कैसे यूज़ करते हैं, देख सकते हैं। तो लाइट रूम के आना है, देख सकते हैं, तो देख लीजिएगा आप लोग, नोटिफिकेशन में आ चुका है, इस पर टैप कर देना है यहाँ से। और इतना करने के बाद देख सकते हैं ऑल फोटो क्लिक कर देना है यहाँ से, और ये वाला प्रिंटर दिख जाएगा आप लोगों को, ये वाला। तो यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करके कॉपी सेटिंग करके डन पे क्लिक करके अपने फ़ोटो के अंदर सबसे पहले पेस्ट कर देना, देख सकते हैं ये वाला कुछ भी नहीं किया इसमें। और 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग कर देना है कुछ इस टाइप से, देख ही सकते हैं आपका फ़ोटो एकदम वन क्लिक में अच्छा हो जाएगा। तो हेयर थोड़े वैसे हो चुके हैं ब्लू टाइप के, तो इसको थोड़ा सा माइनस करना है और ब्लैक में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ से देख ही सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो आप लोग कर लीजिएगा जैसे मैंने कर लिया है, देख ही सकते हैं, और बाकी यहाँ से शेयर कर लीजिएगा, सब कुछ सेम रहेगा। तो कुछ इस टाइप से यहाँ से शेयर कर लेता हूँ, तो यहाँ से आप लोगों को भी शेयर कर लेना है। तो शेयर करने के बाद सबसे पहले जाएंगे फोटो रूम के अंदर। तो फोटो रूम के अंदर आप लोग बता रहे हैं सबसे पहले यहाँ से फोटो रूम को बैकग्राउंड कट कर देता है यहाँ से, और फोटो हमारा एकदम हार्ड बनेगा। तो देख सकते हैं आप लोग सबसे पहले ब्लैक इस पर क्लिक करने के बाद देख ही सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को कर लेना है, थोड़ा टाइम यहाँ पर देख सकते हैं लग सकता है, क्योंकि नेट स्लो होगा तो अच्छा हो जाएगा, तो नेट फास्ट एकदम आपका होगा, एकदम बढ़िया हो जाएगा। कुछ इस टाइप से देख सकते हैं यहाँ से सेव कर लेना है कुछ इस टाइप से। सेव टू गैलरी करने के बाद सबसे पहले यहाँ से देख ही सकते हैं आप लोग, तो यहाँ से सबसे पहले गैलरी के अंदर जाना है, तो दिख ही रहा होगा गैलरी के अंदर आ चुके हैं, और ये वाला बैकग्राउंड दिख रहा होगा आप लोगों को, और ये वाला। तो इसको शेयर कर लेना है पिक्सार्ट के अंदर, तो कुछ इस टाइप से पिक्सार्ट के अंदर शेयर कर लिया हूँ। तो थोड़ा लोड ले रहा है यहाँ से, सबसे पहले इसको क्रॉप करके यहाँ से सबसे पहले कुछ इस टाइप से कर लेना है इतना। तो दिख ही रहा होगा आप लोगों को, टूल्स पे क्लिक करना है, रिमूव पे क्लिक करके देख सकते हैं ये वाटर मार्क आ रहा है, इसको हटा देना है आप लोगों को। तो ऐसे करके आप लोग वाटर मार्क हटा दीजिएगा, तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, डन कर देता हूँ। डन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले ऐड फोटो पे यहाँ से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं जो क्रॉप किया है फोटो उसको ले लेना है कुछ इस टाइप से। सबसे पहले कुछ इस टाइप से इसको यहाँ से इतना सेट कर लेना है, जैसे मैं सेट कर रहा हूँ वैसे आप लोग सेट कर लीजिएगा यहाँ से कुछ इस टाइप से। आप लोगों का जैसा फ़ोटो उस टाइप से सेट कर लेना है, जैसे कि मैंने कर लिया हूँ, तो आप लोगों को कर लेना है, जैसे कि देख सकते हैं थोड़ा इतना कर रख लेता हूँ मैं, और इतना करने के बाद यहाँ से डन कर दूंगा। और डन करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस टाइप से कलर वगैरह, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसको गोरा करना है अपने फेस को, तो देख सकते हैं फेस को मैच करा देते हैं कुछ इस टाइप से। इस पर क्लिक करके यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ाना है, और इसकी ब्राइटनेस को सिचुएशन को माइनस कर देना है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप से हो जाएगा, डन कर देना है। बाकी तो रैम नहीं कर लेने हैं आप लोग, आपका HD क्वालिटी में हो जाएगा। तो दिख रहा होगा इस टाइप से रख लेता हूँ, डन पे क्लिक कर दूँगा, दिख ही रहा होगा आप लोग। तो थोड़ा रेड टोन दे देंगे यहाँ से इस टाइप से, और डन कर देना है। डन करने के बाद थोड़ा देख सकते हैं ये वाला कान देख सकते हैं कुछ इस टाइप से करके रेड टोन दे देना है कुछ इस टाइप से। फेस स्मूथ आप लोगों को पता ही होगा कैसे करते हैं, नहीं पता तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख लीजिएगा, या तो मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हैं। तो कुछ स्टाफ से सबसे पहले पिक्सार्ट के अंदर एक बार और शेयर कर लेना है, तो कुछ स्टाफ से इसके अंदर आ चुके हैं। तो इतना करने के बाद रिटच पे सबसे पहले क्लिक करना है, और हेयर कलर देख सकते हैं इसको यहाँ से इरेज कर देना है, देख सकते हैं हेयर पे कलर आ जाएगा, इरेज करके रेड कलर सिलेक्ट करके कुछ स्टाफ से आप लोगों को कर लेना है यहाँ से। तो इतना करने के बाद देख सकते हैं इसको इतना रख लेने और डन कर देना है। डन करने के बाद देख सकते हैं
स्टिकर में आने के बाद देख सकते हैं यहाँ से आप लोगों को कलर सेलेक्ट करने हैं तो आ जाएगा यहाँ से। तो कुछ इस टाइप से मैं रख लेता हूँ, तो आप लोग कलर सर्च कर देना यहाँ से स्टिकर में पिक्सआर्ट में, तो कुछ इस टाइप से आप लोगों को हो जाएगा। तो जैसे मैं कर रहा हूँ डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको भी यहाँ पर रख लेना है कुछ इस टाइप से, और फिर डन कर देना है। और डन करने के बाद देख सकते हैं एड फोटो पर क्लिक कर देना है कुछ इस टाइप से, और ये वाला कलर दिख जाएगा, इसको भी कुछ इस टाइप से रख देना है और इसको डुप्लीकेट कर लेना है यहाँ से। और इसको देख सकते हैं इफेक्ट पे क्लिक करना है यहाँ से, और कलर पे क्लिक करके इसको कोई सा भी कलर में कन्वर्ट कर लीजिएगा यहाँ से, और कुछ इस टाइप से यहाँ से इसको भी नीचे से रख देना है और डन कर देना है। डन करने के बाद एक बार और रख देना है यहाँ से कलर को कुछ इस टाइप से, देख सकते हैं ये वाला कलर। तो इस टाइप से यहाँ पर भी एडजस्ट करके रख देना है, सॉरी वो सेव हो चुका है, तो इसको डन कर देना आप लोगों को। तो कुछ इस टाइप से हमारा फोटो हो जाएगा, देख सकते हैं। तो हेयर को अगर आप लोग ऊपर करना है तो इस पर क्लिक करके इसको ऊपर कर देना है, और डन पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल पे एडिटिंग रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं, और आप लोग कलर जहाँ पे भी रखना चाहते हैं वहाँ पर रख सकते हैं एकदम अच्छे। PNG में सब कुछ दे दूँगा आप लोगों को, तो कर देना है एडिट।